हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वॉचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आपके लिए लेके आई हूं सारे के सारे 12 सन साइंस का प्रेडिक्शन आपके लिए टू सी कि आज का दिन आपका कैसा जाता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पहले सन साइन की तरफ जो है एरी सन साइन। हिंदी में हम इसको मेष राशि भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं एरियंस आपके लिए आज क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड और दूसरा कार्ड है टू ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है आप एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आप अपने आप को देखेंगे कि आपको लगेगा कि आपको सब कुछ मिल सकता है। और ये स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप इश्यू से गुजर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो रिलेशनशिप में आ रही है, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी आज सॉल्व होने वाली है। एंड नेक्स्ट आप इज टॉरस सन साइन और हिंदी में हम इसको वृषभ राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज सन एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए। इनफैक्ट पूरे डेक में से अगर जो बहुत अच्छा कार्ड मैं बोलूँ ना तो वो सन का कार्ड है। ये जहाँ पे भी आएगा ना तो लाइट ही लाइट कर देगा, जैसे कि सन जहाँ जाता है वहाँ रोशनी फैला देता है। आप अगर आज ऐसी कोई चीज़ है जिसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक से कन्फ्यूज हैं, तो वो डिसीजन आज आप बहुत ही आराम से ले लेंगे, बहुत आसानी से ले लेंगे और सन का कार्ड ये मेक श्योर करेगा कि वो डिसीजन आपका बहुत ही अच्छा हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले सन साइन की तरफ जो है जेमिनी सन साइन, यानी हिंदी में हम इसको बोलेंगे मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थोड़ा सा आप इमोशनली ओवरवेलमिंग फील कर सकते हैं आज, पर आपको ऐसा भी लगेगा कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखना है, बिकॉज यू नो आप हैं, आप ज़्यादा इमोशन शायद दूसरों को शेयर नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, बट इतना भी आप अपने आप को अंडर कंट्रोल मत रखिए कि वो एनर्जी आपको अंदर से डिसॉल्व कर ले। सो बी वेरी ओपन, शेयर योर इमोशंस और उनके साथ शेयर कीजिए जिनके आप क्लोज हैं। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे इंसान जो आपकी बात को समझे, आप उनसे आज अपनी बात को खुल के कह सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी आर ऑन द फोर्थ सन साइन ऑफ द ज़ोडियक व्हिच इज कैंसर सन साइन। कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है। पहला कार्ड आया है हैंग्ड मैन का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है एम्परर का कार्ड। यहाँ ये दोनों कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में और उस डिसीजन लेने के लिए आप बहुत टाइम से बहुत सोच रहे हैं। एम्परर की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है कि आप बहुत एक मच्योर डिसीजंस हमेशा लेते हैं, बट इस बार शायद आप श्योर नहीं है कि आपसे वो मच्योर डिसीजन लिया जाएगा या नहीं। यहाँ पर ये कार्ड श्योरिटी दे रहा है कि आप सिर्फ अपने डिसीजन पे फोकस करिए और ओवर थिंक करने से बचिए। एंड नेक्स्ट अप विल टॉक अबाउट लियो सन साइन। हिंदी में हम इसको सिंह राशि भी बोलते हैं। देखते हैं लियोस के लिए आज कार्ड क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड दैट आई विल पिक फॉर यू इज टू ऑफ कप्स एंड द सेकेंड कार्ड वुड बी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक बैलेंस क्रिएट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जहाँ पे भी जा रही है ना वो थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। या तो आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट फील कर रहे हैं और दूसरे जने को निग्लेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि बैलेंस क्रिएट करना, बिकॉज दोनों कार्ड बैलेंस की बात करते हैं। तो अगर आप ये बात को समझ जाते हैं उस पर काम करना आज ही शुरू कर दीजिए। और अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट सन साइन की जो है वर्गो सन साइन। हिंदी में हम इसको कन्या राशि भी बोलते हैं। तो फेलो वर्गोज आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आए हैं आइए देखते हैं। पहला कार्ड है स्टार का कार्ड और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए जो सेलेस्टियल कार्ड्स होते हैं ना, स्टार का, सन का, मून का, इनका एक बहुत स्ट्रॉन्गर रेलेवेंस होता है आपकी लाइफ में। स्टार का कार्ड यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाता है और एक नया बैलेंस आप ब्यूटीफुली जो क्रिएट करेंगे वो भी दिखाता है। पेज ऑफ कप्स एक छोटी सी नन्ही सी शुरुआत दिखा रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई एक इंसान है जो आपको बहुत लाइक करता है बट आपकी तरफ अभी आया नहीं है, एक्सप्रेस नहीं किया शायद, उनका कॉल या टेक्स्ट कुछ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज। ओवरऑल वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर टुडे एंड वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। और अब बारी आती है अपने सेवेंथ सन साइन की जो कि है लिब्रा सन साइन। आइए देखते हैं तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा कार्ड जो हम यहाँ पिक करेंगे वो है डेथ का कार्ड।
देखिए घबराइए मत क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, बट डेथ का कार्ड आई थिंक इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड पॉजिटिव कार्ड. क्यों? क्योंकि डेथ जब भी किसी चीज़ की होती है उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है, एक नई चीज़ का सृजन होता है. यहाँ पर एक साइकिल के डेथ की बात हो रही है, एक पैटर्न के डेथ की बात हो रही है, जिसके बाद एक न्यूनेस, एक न्यू बिगिनिंग आएगी. स्पेशली ये चीज़ आपके करियर फिनेंसिस से रिलेटेड है. हो सकता है आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में कोई एक नया कदम लेने वाले हो या कम्प्लीटली उसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हो. तो ये जो आपका चेंज यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत ही अच्छी एक बिगिनिंग को इंडिकेट कर रहा है. हेलो स्कॉर्पियोज, दिस इज योर टर्न नाउ. आइए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, या एक ऐसा दिन आज का हो सकता है जब आप इमोशनली बहुत चार्ज्ड अप फील करें. जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी नैया को किनारा जो है वो प्रभु ही लगाएंगे, यानी कि थोड़ा सा आपको लीन ऑन करना है यूनिवर्स पे. आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं आप सच्चे दिल से करिए और जो भी उसका नतीजा होगा उसको भी खुले दिल से एक्सेप्ट करिएगा. सो सजिटेरियंस हियर वी गो, दिस इज योर टर्न नाउ. धनु राशि वालों तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपके कार्ड्स खुलने वाले हैं. पहला कार्ड यहाँ पर जो पिक किया है वो है 9 of Cups और दूसरा कार्ड यहाँ पर है 10 of Wands का. आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है और एक छोटी सी बैड न्यूज़ नहीं है बट एक डायरेक्शन है. गुड न्यूज़ ये है कि आपकी सारी विशेज़ फुलफ़िल होने का टाइम शुरू हो चुका है. तो जो भी आप मांग रहे हैं ना भगवान से वो भगवान आपको देने वाले हैं. पर क्या आपको वो सारी चीज़ों को हैंडल करने की ताकत है? क्योंकि जो 10 of Wands है ना वो ये दिखाता है कि हो सकता है आप थोड़ा सा ओवरलोडेड फील करें, थोड़ा सा आपको लगेगा यार बहुत कुछ आ गया है सडनली आपके कंधों पे, कैसे मैनेज करेंगे. तो आपको जो है यहाँ पर इस वक्त सिर्फ ये ट्रस्ट करना है कि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं वो सही पाथ है और वही चीज़ आपको वो ताकत देगी वो सारे बर्डन को उठा के रखने में या कैरी ऑन करने में जो आप अभी फील कर रहे हैं. एंड नाउ वील टॉक अबाउट द सन साइन कैप्रिकॉर्न विच इज़ द 10th साइन ऑफ द ज़ोडियक. और मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं. पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 6 of Wands और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है हैंग्ड मैन का कार्ड. आप थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है सेटल डाउन होने के मूड में हैं अगर आप सिंगल हैं तो, और अगर ऑलरेडी सेटल्ड हैं तो एक रिलेशनशिप को लेकर के एक नई डायरेक्शन आप शुरू कर सकते हैं, एक न्यूनेस ला सकते हैं उसमें. हैंग्ड मैन यहाँ पर आपको एडवाइस दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सोचो मत. आप बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में ना कई बार वो सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं जो आपको उस वक्त उस लाइफ में जीनी है या उस पल में जीनी है. तो not too much of overthinking and just focusing upon the good things that you have in life. And we have come to the second last sign of the zodiac which is Aquarius sun sign. Kumbh Rashi bhi hum isko Hindi mein bolte hain. To aaiye dekhte hain aap logon ke liye cards aaj kya bolte hain. Wheel of Fortune ka card hai aur dusra card hai Death ka card. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे बिकॉज दोनों मेजर अर्काना कार्ड्स हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड जब आता है ना तो आप समझिए एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, या ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आज से शुरू हो गया है. डेथ का कार्ड एक चैप्टर क्लोज करेगा, एक नया चैप्टर शुरू करेगा. दोनों ही कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़े चेंज की बात कर रहे हैं. और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो हैं अब्रॉड सेटल होने का सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो वो डिसीजन आपके लिए बहुत सही होने वाला है. और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने लास्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडियक में जो कि है पाइसीस. तो आइए देखते हैं मीन राशि वालों के लिए यानी पाइसियंस के लिए हमारे पास आज क्या कार्ड निकल के आते हैं. पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है डेविल का कार्ड. थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मुझे आपके आसपास दिख रही है, थोड़ी नेगेटिविटी भी दिख रही है. तो आप इस एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके क्लियर कर सकते हैं. पहली या इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँ तो अगर आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, या पूरे घर पे अगर आप कोई भी ऐसा रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं जो कि वो टॉक्सिसिटी को हटा दे. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है और वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा. आपको जो चीज़ें हैं ना वो अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिस्टम से बाहर निकालिए, जो जिसको कहना है वो करिए और फिर एक नई चीज़ की शुरुआत होने दीजिए. और इसी के साथ हम इस शो को पूरा करेंगे. मैं आपके साथ फिर मिलूंगी कल सारे के सारा 12 सन साइंस के साथ. थैंक यू.